मारा गया। दुश्मनों को मालूम पड़ गया कि वो हमारे लिए काम करता था। इसका मतलब है कि इंडियन कमांडोस अब अपना प्लान बदल देंगे। नो सर, हम उसी रास्ते से जाएंगे। ये मालूम होते हुए भी कि उन्हें हमारे प्लान की पूरी खबर है? यस सर, और वो ये भी जानते हैं कि हमें पता चल चुका है कि पूरी ने उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी है, और जाहिर है कि अब तक हमने अपना प्लान बदल दिया होगा, इसलिए वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि हम वही करेंगे जो हम करने वाले थे। दुश्मन को कभी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए कर्नल। हम तो उसकी समझदारी पर भरोसा कर रहे हैं सर। मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं सर। पहली बात, आर्मी के ऑपरेशंस में सिविलियंस को शामिल नहीं किया जाता। दूसरी बात, यह चोर सिपाही का खेल नहीं। सर प्लीज सर, गिव मी अ चांस। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उस टीम के साथ जाना चाहता हूं जो आतंकवादियों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। मुझे देखते ही वो लोग मुझे पहचान जाएंगे, क्योंकि उनका एक साथी मेरे हाथों से मारा जा चुका है। जाहिर है कि वो मुझे इंटरोगेट करेंगे और ये जानना चाहेंगे हमारे कमांडोस कहां से आ रहे हैं, और मैं उन्हें बता दूंगा। तुम उन्हें मिसगाइड करोगे? यस सर। और ये सब तुम करोगे? सर। याद है मैंने क्या कहा था? ये खेल का मैदान नहीं, दिस इज अ ब्लडी बैटलफील्ड। याद है सर, लेकिन आपने ये भी कहा था कि जिंदगी में मौका मिले तो ये जरूर साबित कर लेना कि तुम कायर नहीं हो। आज वो मौका मुझे मिला है सर, प्लीज ये मौका मुझसे मत छीनिए। कौन है वो आदमी? मुंबई पुलिस, एसीपी जयदीप। कोई खास वजह? आप मुझ पर भरोसा करें सर। इस समय सारा देश तुम पर ही तो भरोसा कर रहा है। थैंक यू सर। ये मिनी कैमरा तुम्हें पहनना है, इससे हमें उन लोगों की पोजीशंस और ज्योग्राफी को समझने में मदद मिलेगी। बेटर चेंज। चलो सर। होने वाली बीवी के लिए जा रहे हो? नंदिनी के लिए नहीं सर, मां के लिए। ये मिट्टी मेरी मां है और इसकी इज्जत खतरे में है। अपना ख्याल रखना। वर्दी के सल्यूट नहीं करते ऑफिसर। कैंप आ चुकी है, यहाँ से उन्हें कागन एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है जहाँ पर प्रेस वालों की जाने की मनाही है। अर्शद खान, पीटीवी।
पक्कू है सर, सांस लेना मुश्किल है। जैसे लोग हो जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए यहां तक आ जाए, उस देश की बेटी, बहन, बीवी कोई कभी नहीं डर सकती। भरोसा रखो, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। बेटा, अंकल को बोलो हमें उन पर पूरा भरोसा है। Sweet. Love you. Tell him. I love you too. आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें बेहद अफसोस है कि आप लोगों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ा। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आपको हर्जाना मिले और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जो आया हूं बहुत जल्द आप लोगों को यहां से ले जाऊंगा। मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जितने भी बीमार बुजुर्ग और बच्चे हैं उन्हें छोड़ दें। ये नहीं हो सकता। ये इस बात की जमानत है कि हमारी सभी शर्तें मान ली जाए। अगर आपको जमानत ही चाहिए तो फिर हमारे मंत्री जी हैं। क्या बकवास कर रहे हो? हम यहां बात करने आए हैं, इनकी कैद में रहने के लिए नहीं आए। मंत्री जी, बहादुरी दिखाने का और जनता के दिल में बसने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। 3 महीने बाद इलेक्शन है, आपकी जीत पक्की होगी। अगर वो मार दे तो? कमाल है। ठीक है, बाबा जहीर की रिहाई के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जी ने अपने आप को उनके हवाले करके कुछ पैसेंजर्स छुड़ाए। मैं चाहूंगा कि आप पैसेंजर्स को और उन डेड बॉडीज को वापस हिंदुस्तान भेज दें। ठीक है। जब तक बाबा साहिब रिहा नहीं होते तब तक आप हमारे मेहमान बनकर रहेंगे।
70 अपहरणकर्ता की भारत सरकार ने मांग स्वीकार कर ली है और बाबा जहीर को रिहा किया जा रहा है। कल सुबह उन्हें किसी भी वक्त गुप्त मिलिट्री एरिया से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा। की गलती क्या है जिन्हें आप लोगों ने हॉस्टेज बना रखा है? उनकी गलती यह है कि वो भारतीय हैं। क्या गारंटी है कि हिंदुस्तान सरकार आपको ये देश छोड़कर जाने देगी? ये सवाल आप मुझसे नहीं, अपनी गवर्नमेंट से पूछिए। इन्हें बताते क्यों नहीं कर्नल कि तुम्हारा देश, तुम्हारी गवर्नमेंट हमारे सामने सर झुका चुकी है, बिक चुकी है। वी वर हेल्ड बाय इंडियंस टू हाईजैक द प्लेन। 100 करोड़ की आबादी वाले भूखे नंगे लोग हो तुम। कल हमारे 4 सिपाही तुम्हारी पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे और अब देखना हमारी पूरी फौज अंदर तक घुसाएगी। अपने मुल्क को अपनी मां का दर्जा देते हो ना तुम, उसकी छाती से उसका दामन खींचकर तुम सबका सर शर्म से नहीं झुकाया। जहीर खान, भीख में मिले देश और दान में मिले हथियारों के दम पर इतना फौंकना ठीक नहीं। कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुसकर औरतों और बच्चों को मारते हो। अब तक जिंदा हो क्योंकि हमारी सरकार ने हमें रोक रखा है। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया, अंदर घुसकर मारेंगे। हमारा एक एक जवान तुम्हारी नपुंसक फौज पर भारी पड़ेगा। किन जवानों की बात करता है कर्नल? उन जवानों की जिन्हें हमने कारगिल में चूहों की तरह मारा था। अगर तेरे कुत्ते आसपास नहीं होते तो तुझे भी यही दफन कर देता। दो कदम पीछे। हमारे देश में कुत्तों को जान से मारने की परमिशन नहीं है। तेरी जमीन पर आके तुझे मारूंगा। टेक हिम अवे। तकनीकी खराबी के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अभी आपने देखा बाबा जहीर को सही सलामत बिल्डिंग के अंदर ले जाया जा रहा है।
एक पुलिस वाले को इतना अहम काम कैसे दे दिया? उसे अमन का शफीर बनाकर भेज दिया। हरामखोर, तूने ही मेरे भाई को मारा था ना? कैमरा? खुदा कसम, मुझे तो पहले से ही अंदाजा था कि ये एक जासूस है। हमारी पोजीशंस और तैयारी की सारी खबर दुश्मन तक पहुंच चुकी है। काट के फेंक दो साले ज़लियानों! इनका मंसूबा क्या है? पहले ये मालूम किया जाना बहुत जरूरी है। टाइगर कॉलिंग, ब्रावो ब्रावो, मूव फॉरवर्ड। हेलो जुबेदा, हमारे ऊपर काफिरों ने हमला कर दिया है और उनकी तरफ से कुछ हरकतें भी हो रही हैं। हेलो नूर, काफिरों को मुंह तोड़ जवाब दो और किसी भी हालत में अपनी पोस्ट मत छोड़ना। ओवर एंड आउट। हेलो बीसीएक्स, मैसेज फॉर टाइगर, ओवर। टाइगर कॉलिंग, टाइगर कॉलिंग, ब्रावो। हम शालीमार के नजदीक हैं और दुश्मन की पोस्ट टारगेट 200 मीटर पर है। हम हमले के लिए तैयार हैं। ऑर्डर फॉर अटैक, ओवर। बोल बोल, क्या प्लान है तुम लोगों का? बोल। मारना बंद करोगे तो बताऊंगा ना। बोल। इंडियन रेस्क्यू टीम कारादार से आएगी। कम बैक। पर सर। कम बैक, ओवर एंड आउट। मूव बैक, कम ऑन फादर, मूव बैक। झूठ बोल रहा है ये इतनी आसानी से बोलने वालों में से नहीं है। बोल बोल। रुको, ये सही कह रहा है। भारतीय फौज ने काराधार की ओर से हमला बोल दिया है। प्लेन और मेरे आदमी छोड़ो, फिर मैं इसे छोड़ूंगा। शायद तू ये भूल गया, ये तेरी नहीं मेरी जमीन है और यहां कुत्तों को मारने की परमिशन है। वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे मातरम, वंदे।
प्लेन रोको। तूने कहा था ना तेरी जमीन पर कुत्तों को मारने की परमिशन है।